यहाँ पर पटाखे पटाखे बहुत सारे हैं, देख लो देखो ये है बम बम बम। और देखते हैं इसको यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं उनमें से। हैं आप तो नहीं हो? मैं नहीं हूँ, आप होंगे। गाइस हैप्पी धनतेरस आप सभी को। इसने नहीं बोला गया कि भूल गया था ये दो से बता देंगे। गाइस पापड़ देखा करो, मैंने कहा इसमें आपको कॉमेडी कॉमेडी सब नजर आएगी बीच बीच में। देखो ये बना रहा है मेरा बच्चा, रोटी बना रहा है, मैं बना रहा हूँ मैगी। गाइस हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और देखो सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रखा है गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, चलो भगवान की कृपा सब बढ़िया। तो गाइस मैं हो गया नहा धो के रेडी, बनाते हैं नाश्ता मस्त और करते हैं नाश्ता, और आप सभी को हैप्पी हैप्पी भगवान हैप्पी धनतेरस। जिसने नहीं देखा होगा देख लेना, तो मैं दो तीन दिन से लगातार विश कर रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी दिवाली। तो जो फ़ोन पे नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरे वीडियो में ही उनके लिए विश। तो गाइस अभी धनतेरस में हम आ रखे हैं ज्वेलरी के यहाँ, क्रिस के लिए एक चेन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या लेना है। और यहाँ पर है क्रिस अंदर जा रखा है मम्मी के साथ, एक चेन लेनी है और उसमें ज्वेलरी शॉप के अंदर तो गाइस देखो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी चेन, मतलब पहली बार में पसंद आ गई थी मेरे को ये चेन। इसका डिज़ाइन देखो और पैटर्न अच्छा है इसका, बट इसमें लंबी हम आ रखे हैं यहाँ पर पटाखे पटाखे बहुत सारे हैं, देख लो इतनी सुबह आ रखा है। पहले हमने यहाँ पर चेन ले ली है ज्वेलरी शॉप से, कृष्ण पसंद करके चला गया था और हमने चेन बहुत टाइम लगा दिया। यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं वहाँ पर, क्या कोई ना कोई मिल ही जाता है। बोला यार हमने आपको देखा है, बोला कोई बोलता है फोटो देखे, कोई बोला ये वीडियो में आपको देखा है, आप जान पहचान के लग रहे हो। गाइस ऐसे धीरे 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 क्या होती है, जान पहचान हो जाती है। हाँ तो ऐसे जान पहचान हो जाती है, जैसे कहीं जाओ ना कोई मिल ही जाता है। आपको की शॉप भी लगी हुई है, अभी हम आ रखे हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। और ये देखो इन्होंने नया खोला है, जस्ट हिमालयन के बाहर है और लोग बम पे फोड़ने, और ये फूल ले रही है पता नहीं क्या ले रही है। और गाइस हमें अभी ठीक हिमालयन हॉस्पिटल के बाहर हिमालयन चौक में, आपको एयरपोर्ट देखो उसका सनसाइट, देखो सनसाइट कितना मस्त लग रहा है। इसे देखो मैंने बोला था ना एरोप्लेन दिखाऊंगा, तो जस्ट एरोप्लेन भी आ गया है आप लोग, ये ठीक मेरे सर के ऊपर से जा रहा है गाइस। ये मैं हूँ अभी यहाँ पर, देखो पटाखा शॉप और पटाखे वैसा हो यहाँ पर पटाखे लेने लगे, कलरफुल पटाखे लगे हुए। वैसे आप सभी को हैप्पी दिवाली, और क्रिस आएगा भी थोड़ी देर में, बोला मैं आऊँगा तब चलेंगे पटाखे लेने के लिए। तो अभी हम हैं शॉप में, फिर इसमें लोगों ने ये देखो बर्तन भी लगा रखे हैं यहाँ पे बर्तन लेने के लिए, और ये लक्ष्मी माता के पैर पूर सब लगा रखे हैं, बच्चों के पटाखे बम माता की चुन्नी चन्नी सारी सजावट की चीज़ें हैं यहाँ पे ले रहे हैं। अभी तो लेना क्या है, क्रिस आएगा तब लेंगे बम बम। तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं आगे, टोर टोर बम है देख लो, ये जो ऊपर जाके कलर फूटते हैं ना ये वाले हैं, ऊपर जाके जो इसका अलग अलग कलर फूटते हैं ना, जो पूरे कलर बम है गाइस, जो आसमान में जाके कई रंग छोड़ते हैं गाइस। ये है मिक्की माउस वाला बम छोटा छोटा, और एक देखो गाइस ये है रॉकेट रॉकेट वाला। तो गाइस आप लोगों को हैप्पी दिवाली सभी को, और अभी मैं ले नहीं रहा हूँ गाइस, ले रहा हूँ मतलब लेना है मैंने, और उसके बाद जब क्रिस आएगा तब लेंगे। और ये देखो ये भी है, बहुत बड़े बड़े फूल हैं यहाँ गाइस, और ये अनार का भी है यहाँ पे गाइस। और एक बम बहुत दिखाता हूँ मैं आपको, देखो तो पहले क्यों बता रहा हूँ, पहले रेट वाला किया जाता उतार। चला गया
गाइस मैं आपको रुक के लगभग सारे पटाखे और ये देखो अब ये है बम 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 मुर्गा छाप आलू बम और एक ले रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर झाड़ू भी लगे हुए हैं लोग, क्या धनतेरस में क्या है झाड़ू झूड़ू पक्का लेते हैं। धनतेरस के दिन तो झाड़ू का बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर है सीख वाले झाड़ू और इसके साथ लगा दिया इन्होंने खील बतासा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यार, हम आए यहाँ पर माले की शॉप में। और ये देखो यहाँ पर जो है लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ही भीड़ भड़ाका हो रखा है यहाँ पर। धनतेरस के उपलक्ष्य में लोग खरीदारी शुरू हो चुकी है और एंट्री वाले बटन एंट्री वाले बटन मिल रहे हैं और हम बैठे हुए हैं गाड़ी में अभी। और यहाँ पर जो है खरीदारी हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर पब्लिक बहुत ही है आज के दिन, इतनी भीड़ भड़ाका हो रखा है। गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो शॉप रहती है ना, जो भी शॉपें रहती हैं, तो ये क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन अपने पुराने जो भी बर्तन, पुराने मतलब बर्तन रहते हैं, उनको पूरे रोड पे लगा देते हैं ताकि कुछ ना कुछ इनका क्या निकल ही जाता है। तो इनका इस बार तो अच्छा हो रखा है कि दो, क्या बोलते हैं, दो दिन रहे धनतेरस, किसी के आज मना रहे हैं कोई कल मना रहे हैं, तो मतलब बढ़िया का फ़ायदा है। दो दिन तक वो क्या बर्तनों की शॉपिंग करा सकते हैं ले सकते हैं। उसके बाद क्रिस आएगा तब जाएंगे हम आज पटाखे पटाखे देखने के लिए, क्रिस के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। मेरा थोड़ी देर हम लोगों ने उसे पंडाल लगाए रहते हैं। धनतेरस में सारे बर्तन जो है बाहर लगे हुए हैं, पूरे बर्तन 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 और धनतेरस है। मार्केट में कितनी भीड़ लगी हुई है, फुल भरा हुआ है मार्केट जगह जगह में। ऐसे देखो हमारे जान पहचान वाले भी हैं यहाँ पर और यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर आजकल लोग बर्तन, आज धनतेरस में लोग सब बर्तनों की शॉपिंग कर रहे हैं। और अभी हम हैं सही तो आज दूसरे चौक में, और यहाँ पर पटाखे की दुकान भी लगी हुई है। सो हेलो गाइज, आज है धनतेरस, सबको हैप्पी धनतेरस। और ये देखो हमारे घर में आज गाड़ी की सफाई हो रही है, पता नहीं कितने सालों में हो रही है आज, मतलब एक दो हफ्तों में हो रही है। और मम्मी दोनों गाड़ी चमका रही है और पापा जी पानी मार रहे हैं, गाड़ियों में पानी मार रहे हैं पापा जी। अरे देखो और गाइस आज हमें बहुत सारे काम हैं, पता नहीं कितने काम हैं, मेरे को भी नहीं पता। तुम आ गया गाइस, हमारा घर वॉशिंग सेंटर में तब्दील हो गया। देखो मेरा बच्चा है यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो आटा गूंद रहा है, पलाई भी कर रहा है, देखो लैपटॉप भी खोल रखा है, किताब भी खोल रखी है और आटा भी गूंद रहा है, कितना काम करता है ना। इसको तो ऐसे लग रहा है जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा रहे होंगे हम। करा दो, बाहर तो जाऊंगा कनाडा सीधा। कनाडा जाने के लिए तैयार हो रखा है, इस आटा गूंदने में चला जाएगा कनाडा, जब पढ़ाई करेगा तभी तो जाएगा कनाडा। मैंने जगा दिया पर गैस और हम बना रहे हैं आज क्या बोलते हैं इसको, टॉप यमन 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 बना रहे हैं आज। तो गैस आप सभी को है। चलो आज मैं लच्छा रोटी खिलाऊंगा इनको, देखो आज ये आटा भी मिला है, रोटी बना रहा है ये आज, फिर आपको बोलोगे फिर खाना बनाने लगे दोनों बात अरे। तो बना रहे हैं मैगी और ये है प्याज, काटता हूँ मैं, क्रिस बनाएगा रोटी, तो बनाते हैं खाना। भाई लच्छा पराठा खिलाते हैं आज इनको, कैसे बनता है देख ले। गाइस मैं काटता हूँ प्याज।
पराठा, ये बनाएगा पराठा। नहीं वो बात अलग है, मुझे नहीं आता, पर मैं बना रहा हूँ। मैदा नहीं है हमारे घर में, मैदा नहीं हमारे घर में होता है, मैदा गाइस दुकान में होता हो, हमारे घर दुकान होता है। सॉरी हम बना रहे हैं दोनों बाप बेटे, फिर आज किचन में घुस गए हम। आप लोग भी घुसते होंगे ना, तो आप लोग आप खाने के लिए घुसते हो, हम खाना बनाने के लिए घुसते हैं। है ना, बनाने के लिए भी घुसते होंगे, तुमको अपने दिन याद आ गए होंगे। ऐसे बनता ना, ये देखो दिखाओ ना गाइस को, तो दिखाओ ये बनाना गाइस। दिल अच्छा पराठा बन गया, देखो यार कहाँ है ये, इसने लंबा कर दिया जैसे सांप की तरह। अरे बना रहा है क्या, अब दिखा दे, पता नहीं क्या बना खिलाएगा आज बाप को। वो प्याज तो खाते हैं ना, तो हम बना रहे गरम नहीं वहाँ पे, वो गरम कब होगा, आधे घंटे में। हम बना रहे हैं मस्त मैगी, और बनाता हूँ टमाटर। गाइस देखो मैंने हंगामा का लोगो बना दिया, सेक्शन में हुआ इसमें बनाया था, सेक्शन में मैं वैसे बनता है। वो देखो ना गोल गोल लाइनिंग नहीं आ रही थी, कब जाएंगे बाहर में थोड़ी देर में मार्केट जाएंगे। जी रोटी बना रहे थे, हम खाएंगे अब। गाइस ये देखो क्रिश ने टेढ़ा मेढ़ा जैसे भारत पाकिस्तान का नक्शा होता है ऐसे बना दिया रोटी। अरे क्रिश खानी है ये, पेटी में तो जाएगी, गोल तो बना ले। ये देखो गाइस ये बेल रहा है रोटी, छेद हो गया। गाइस मैं बेल रहा हूँ क्या, मैगी मैं बेल रहा हूँ, मतलब मैगी बना रहा हूँ। मेरा बच्चा रोटी बना रहा है। मैं बना रहा हूँ मैगी, हाथ से रख रहे हो तो हाथ से क्या जाएगा, और क्या क्या डालते हैं मैगी मेरे पता नहीं। मैं डालता हूँ कुछ, मैं डाल दूँगा दूध भी डाल दूँ, दाल वाली हल्दी डालते, दाल वाली गोड़ भी, ये स्वाद अनुसार रोटी बना रहे हैं। ये तो ऐसे पलटा जैसे आमलेट होगा, आमलेट पलटता ही ऐसे, ये मरती सी देर थी। लोग वीडियो के लिए आ रहे, देख रहे गाइस, देखने आ रहे बना कि नहीं बना ना। अच्छा सॉरी, कनाडा जाओ बाबा, ये नाला में चली कनाडा, नाला ही जाएगा तब ये फोगी ले। पापड़ पापड़ बना दिया अभी, पापड़ 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 बना दिया अभी। तो आज क्या होगा इसका, हो गया, पहली रोटी खाई की लोची है ना, हम पहली रोटी दो तो रोटी बना रहा, पहली रोटी खाई की दूसरी इतनी बड़ी पढ़ाई है, भाई जी देखो वो सब काट के पापड़ है, तो सब मुड़ नहीं रहा। हम दूसरा करता हूँ कड़कड़, ये तो करेल बेन करो बोलो, जब देवता आएगी रोटी बना दे यार, पापड़ बन रहा हो तो मच्छी पराठा, उसे देख छू उसको, जल्दी फटा बस, अब नहीं होगा हो गया वो, अब इसको सेक ले बस, बस
अरे थोड़ी गलती से और ना तो टूटा फूटा तो है ना। के लिए जरूर कमेंट करना बा ये बोलता है कमेंट नहीं आते तो कमेंट जरूर कर, कमेंट जरूर करना। और रोटी भी मैं धीरे से ये ब्लॉग भाई हमारा हॉटपॉट छोटा हो गया रोटी के लिए। हम बोल रहे हैं ना धीरे से ब्लॉग क्या दिखा रहे हैं, हैंडल मारता हो ना देखा करो यार पूरा इसमें आपको कॉमेडी कॉमेडी सब नजर आएगी बीच बीच में। हंसते रहो आपको बताना चाहूंगा दिखाना तो गए जितने भी हो ना आप उनमें से 60 की 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमें। सब्सक्राइब कर दो गाइस फिर भी देखते हैं हमारी वीडियो। बड़ा खुश तो है पहाड़ी बंदे के अंदर ना वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं है। चलो गाइस कोई बात नहीं वीडियो तो देख रहे हैं कम से कम नहीं ज्यादा देख रहे आप तो नहीं उनमें से हैं आप तो नहीं हो। मैं नहीं हूँ आप होंगे स्टार्टिंग में चल जाएगा आप तो नहीं हो। एक और रोटी तैयार हो गई हमारी। देखो इसने रोटी तैयार कर दी है यार मैंने मैगी तैयार कर दी है। देखो आज 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 हम दोनों पापेट लगे हुए हैं फिर किचन में आ गए हम है ना। हम बीच बीच में घुस जाते हैं किचन में जब मन मैगी तो भैया पानी खानो यार सूखी अच्छी। अच्छा आप तो रोटी 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 में अच्छा तो गाइस कमेंट करके लिखना आपको मैगी कैसी वाली अच्छी लगती है। आप सभी का एक बार फिर हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आपके साथ हमारे घर मिठाई का डब्बा पहुंचा देना वहाँ। अब मिठाई का डब्बा आपके लिए हम भिजवाएंगे यार। उन्होंने क्यों भिजवाया हम भिजवाएंगे है कि नहीं। मिठाई खाता नहीं है बोल मिठाई भिजवा देना। मिठाई छोटे बच्चे खाते हैं तो बड़ा हो गया नहीं। आप नहीं खाते मीठा नहीं खाते। और रसगुल्ला कौन खा रहा था? कौन सा रसगुल्ला भाई खा जा तो मेरी पिठाई लगा लग रही है। पिठाई लगी अब क्योंकि खाना बना रहे हैं इसलिए पिटे लगे। पैसे नहीं मिलते खाए पैसे नहीं मिलते गाँव में। और गाँव में जाते थे ना तो पिठाई लगती थी नहीं लगती थी मेरे पता नहीं लगी कुछ। अभी भी लगती है कहीं कहीं यार। बेलन खराब है आज नया बेलन लेंगे गाइस। धनतेरस में देखो आज बेलन आएगा और कुछ आया ना है। धनतेरस में बेलन ले गए तो भाई लेना तो है ना कुछ ना कुछ। ऑडी लगा लेंगे ऑडी चलो छोटी वाली लेंगे ना अगले वाले बड़ी वाली ले लेंगे रिमोट का तो ऑडी लेनी है ना छोटी ले लेंगे इस बार अगली बार बड़ी ले लेंगे अगले साल अगली दिवाली पे बड़ी ऑडी अगली दिवाली पे आपको पक्का हवा में दिखेगी दिखेगा ठीक है क्योंकि आप लोगों का प्यार बना हुआ है। आप लोगों का प्यार फिर हम दिखाएंगे आपको छुट्टियां ही चाहे दिखे ना दिखे हवा हवा वाले भी लोग दिखाएंगे फिर हवा 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 मतलब ऑल पूरा टूर कराएंगे गाइस। हाँ खाना बना रहे तो मजा आता है दोनों बाहर से कमेंट आ रहा खाना बना रहे हो मजाक कर रहे हो। यही से कमेंट आने लगे वो खाना बना रहे हो कि मजाक कर रहे हो। तो गाइस अभी क्रिस के बस का भाई नहीं मैं बना दूँ अब रोटी जोड़ा कहाँ है तो बना ली देखे तवा खाली छोड़ी मेरे तवा तवा खाली कर रहा हूँ आपको बता दूँ बापू बोला आपको बैठा दूँ। चलो हो गया गाइस बाय बाय ना ना मेरा हो गया इसका हो गया वो रोट बना नहीं पाया हो गया। अब ये बोलेगा यार मैं बनाऊंगा मैं कुछ नहीं करूंगा मैं वहीं पे जाऊंगा कमेंट करके लिखने वाला कमेंट करके लिखने वाला कुछ बोलने वाला आदमी लेकिन भाई मैं समझ बोलने की हमारे हमारे यूट्यूब वाले कुछ बोल ठीक है अरे गाइस बहुत चिप गए रे। हाँ अब बोलो गाइस अब देखो अब खुद देखो
तब मेरे को बोल रहे थे खराब हो गया देखो, तब मेरे को बोल रहे थे खराब हो गया ये तो क्या रहा है यार मेरे से काम को भी नहीं आएगा जिसका काम उसी को साथ है बना दिया गाइस मैंने देख दी होगी हमारी देखो आपको आ जाए रोटी बनाने चलो गाइस मैंने गोल रोटी बना रखी है देखो ये देखो बेलन से लेके कंप्यूटर तक कुछ भी दे दो हर काम बेलन से कंप्यूटर तक हर काम आता है मुझे पक्का बेलन वाला तो आ ही रहा है चिपक 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 अच्छा पहला ट्राई और अच्छी है तो गाइस एक एक रोटी मैंने बना दी है गोल मैंने आपको बना बना के दिखा दी है और अभी हम जो है सेकंड रोटी मेरे हमारा फ्रिज दिख रहा मेरा मेरे बराबर है रे ये देखो अब रहेगा मैं अकेला हमें बनाओ सो अकेला रोटी किसको कितनी रोटी खाएगा चार बनाई तूने एक अब खाएगा चार तीन बनाई आपने बनाई कर पता मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उसने टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है मैं रोटी आपको टेढ़ी हो रही है तुम नजर हो लो ना जाता ऐसी रोटी फूल गई है हमारी और चलो अब बोलोगे कि खाली खाने का ब्लॉग दिखा रहे हैं आगे आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है तो अब जाएंगे हम धनतेरस में ठीक है धनतेरस की शॉपिंग करने आपको वहाँ का दिखाते हैं फिर अब दिवाली का भी दिखा देंगे साथ साथ आपको और आप सभी को हैप्पी दिवाली अब आ गई है मालकिन जी बना लेगी वो हमने तो बना ही दिया गाइस मैं रोटी दिखाऊंगा आपको ये देखो दिल से मैं रोटी बना रखी मैंने चलो अब बाद में दिखाते हैं आपको ठीक है आप बोलोगे बोर कर रहे हो अभी आ रखा हूँ भाई औरों के घर में यार ये देखो इन्होंने बहुत ही अच्छी लड़ी बिल्कुल सिस्टम वाइज लड़ी लगा रखी है इन्होंने ये देखो तरीके से डेकोरेट कर रखा है इन्होंने यार आप सभी को हैप्पी दिवाली जो लोग ब्लॉग देख रहे होंगे और ये देखो ये बगल में हमारे चाचा औरों का भी है उन्होंने भी बना रखा है ये देखो सब ने अपने घर कितने अच्छे तरीके से सजा रखे हैं ये पीछे का व्यू है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में आगे और गाइस ये मैंने लगाई थी मैंने अपना आप ही लगाई ये लड़ियाँ कॉमेंट करके बताना गाइस कैसे लग रहे हैं और ये हमारे पड़ोसियों का घर भी सजा हुआ है ये देखो चुका हूँ मैं घर पे और मैं क्रिस का वेट कर रहा हूँ हमने जाना था ये देखो मैंने हमने गाइस लड़ियाँ लगा रखी हैं कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत और दिवाली की भी बहुत बहुत छोटी दिवाली बड़ी दिवाली बवाल की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों का प्यार इस तरह का बना रहे तो हम आपको डेली आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे चलो गाइस मिलते हैं तो दगड़े मैं आई हूँ बहरा भी आप सबों का दिवाली हैप्पी दिवाली बना गया आपके मैंने लड़ी दिखाई भाई जी के यहाँ भी लड़ी दिखाई मैंने अभी मैंने लगा रखी है देखो हैप्पी दिवाली दोस्तों तो घर को थोड़ा बहुत सजा दिया इस साइड तो मकान बन रहा है इस साइड तो लड़ियाँ कहाँ से लगानी है दीवार पूरी टच हो गई है अब इसी साइड है इस साइड लगा रखा है आप देख सकते हो गाइस आप सभी को हैप्पी दिवाली